हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले के चौहटन चौराहे पर रसद विभाग ने गरीबों का गेहूं हड़पने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक रसद विभाग को मुखबिर के जरिए इरतला मिली की सरकारी योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले गेहूं का एक फ्लोर मिल से जब्त किया है। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी खेमा राम व विपिन जैन ने चौहटन चौराहा स्थित बेनीवाल फ्लोर मिल्स पर कार्यवाही करते हुए 350 किलो गेहूं जब्त किया है। जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास के मुताबिक मुखबिर की इत्तला पर रसद विभाग ने 350 किलो गेहूं जब्त कर जांच की जा रही है। वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य अधिनियम के तहत प्रकरण प्रतिबंध किया गया है। बताया जा रहा है कि गरीबों को मिलने वाला गेहूं मिली भगत से फ्लोर मिल्स में पहुंच रहा है, जिससे गरीब सरकारी गेहूं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रसद विभाग गरीबों का गेहूं हड़पने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास, इन्होंने ये कहा। कल अचानक मुझे सूचना मिली थी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बाड़मेर शहर में गेहूं है, जो पीडीएस का गेहूं बताया गया जा रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गेहूं है जिसकी जांच करने के लिए मुझे निर्देश मिले। उसके क्रम में मैंने मेरी टीम को भेजा था। उसमें मेरे प्रवर्तन अधिकारी खेमाराम जी, प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन साहब और प्रवर्तन निरीक्षक सुरेंद्र जी लोवा, ये तीनों साथ गए थे। और फिर मुझे इन्होंने आकर के एक रिपोर्ट दी है। उसके अनुसार ये गेहूँ एक फ्लोर मिल पर था और 350 किलोग्राम गेहूँ था और ये 7 कट्टों में था, जिनमें से 3 कट्टे सील्ड थे, जो एफसीआई की स्टिचिंग होती है उसमें थे, और 4 कट्टे अनसील्ड थे। कुल 7 कट्टों में 350 किलोग्राम गेहूँ पाया गया। इस गेहूँ के पाए जाने के संदर्भ में जब वहाँ फ्लोर मिल मालिक से पूछा गया, वहाँ उपस्थित व्यक्ति से पूछा गया, तो उसने ये कहा कि ये कंज्यूमर्स का गेहूँ है जो आटा पिसवाने के लिए यहाँ रख करके गए हैं, परंतु उन कंज्यूमर्स की पूरी डिटेल उनके पास लिखित में उपलब्ध नहीं थी। इस कारण से इसको इस शंका के साथ कि ये गेहूँ पीडीएस का है और इसका अपयोजन हो सकता है या हो रहा है, ये समझते हुए इस प्रथम दृष्टया इस गेहूँ को सीज करके सुपुर्दगी में किसी उचित मूल्य दुकानदार को दे दिया गया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।